Nothing is impossible. So just do it. Make your dreams come true. तो गाइस मैं यहाँ पर मैं खेलने वाला हूँ रिजू गेमिंग के एक सोलो टूर्नामेंट जो कि अभी चालू हो चुका है यहाँ पर, तो देखते हैं मैं कहा था फुटबॉल के अंदर आगे भी और आ चुका है यहाँ पर आईसी हेड्स आ गया पहले फेज के पहले राउंड के अंदर और यहाँ पर पता नहीं भाई और कौन से राउंड आने लगे। तो पहले यहाँ पर आईसी हेड्स अपने एकदम आराम से खेलना भाई, उसके ऊपर ट्रिक नहीं मानी फालतू की, जैसे देखो लोग सब जा रहे हैं यहाँ पर, मैं ऐसे नहीं करना भाई, मैं चुपता हूँ हकते में निकलूंगा साइड में से। और यहाँ पर भाई पांडा हट जा भाई, पांडा हट गया, चलो पांडा हट गया और आठ लोग क्वालीफाई करना थे और यहाँ पर बस है ना 12-11 लोग दिख रहे, कुछ 16 लोग आए भी नहीं थे बराबर भाई। लॉबी में रुकना पड़ा था बहुत देर तक का, मतलब 2 मिनट रुकने पड़े थे लॉबी के अंदर ही था राजा के ऊपर। और यहाँ पर भाई एकदम आराम से जाओ और कर जाऊंगा भाई क्वालीफाई, टेंशन नहीं था कुछ। और कितने 3 लोग आए आगे और यहाँ पर चलो भाई मैं 74 नंबर पे आगे कर गया क्वालीफाई के अंदर। और अभी यहाँ पर आ चुका अपना लॉस्ट टेंपल आ गया है सेकंड राउंड के अंदर, देखते हैं भाई इसके अंदर क्या होगा। अभी एकदम आराम से खेलना पड़ेगा इसको क्वालीफाई करने के लिए और क्वालीफाई तो हो जाएंगे यार 8 ही लोग, मतलब 8 लोग क्वालीफाई करने रहते हैं इसीलिए क्वालीफाई कर सकते हो उसके अंदर, मगर कभी कभार हो सकता है एलिमिनेट हो जाओ, लेकिन भाई ज़्यादा बार तो मैं क्वालीफाई करने का ट्राई करूँगा इसके अंदर। और यहाँ पर बनाना इमोट अलाउड है क्या भाई? अरे बनाना इमोट अलाउड है यार, इसमें तो वाट लग जाएगी फिर अपनी, मतलब ये लोग बनाना फेंक के गिरा सकते हैं अपने को और मेरे को भाई बनाना पर टकराना नहीं है यहाँ पर। कभी कभार होता है कि भाई एकदम गलती से टकरा जाए तो बनाना पे। और यहाँ पर एक डब्लू नाम वाला भी है भाई इसके अंदर और यहाँ पर जो किनारे पे था एकदम और वहीं से कूदा मैं और यहाँ पर आराम से निकल जाऊँ आगे। इन लोग से आगे तो नहीं निकल पाया लेकिन यहाँ पर चलो अच्छी खासी पोजीशन है मेरी अभी भी। और ये एक नंबर गिर गया भाई, गिर गया ये चुपचाप भाई हटो साइड में और पड़ेगा और उसको नहीं पड़ा भाई, नहीं पड़ा लेकिन फिर भी मैं निकल गया उसके आगे और यहाँ पर चलो करेगा 3rd नंबर पर क्वालीफाई। और आ चुका है वापस आ गया आईसी हाइट, तो मतलब ये 2 राउंड मतलब वो रिपीट उतरेंगे बार बार एक आईसी हाइट फिर एक लॉस्ट टेम्पल। तो यहाँ पर भाई चुपचाप से निकलो राइट से वैसे जैसे पहले गया था मैं, ज़्यादा कुछ फालतू के मतलब हीरो नहीं बनना इसके अंदर और ट्रिक मारने का ट्राई नहीं करने का इसके अंदर, अभी चुपचाप अपना निकलेगा तो अच्छा ही रहेगा। यहाँ पर आ जाओ आराम से भाई डाइव मारो इसके ऊपर और निकल जा रहे हैं भाई, बच गया बच गया बच गया, मुझे लगा गिरूंगा नीचे और यहाँ पर ट्रिक मारनी पड़ेगी क्योंकि भाई ज़्यादा लोग आगे निकल गए हैं। और यहाँ पर मार लिया मैंने ट्रिक और कर जाऊँगा यार 3rd नंबर वापस से क्वालीफाई कर जाऊँगा जैसे पिछले राउंड में करा था। और यहाँ पर चलो भाई 3 राउंड लगातार क्वालीफाई करिए हमें बिना हारे और आ चुका है लॉस्ट टेम्पल स्टार्ट हो चुका है 74 राउंड के अंदर और यहाँ पर 8 राउंड रहेंगे टोटल, तो 3 में तो भाई लगातार क्वालीफाई कर गया। और यहाँ पर भाई पहले फेज ही है और एकदम सुबह सुबह चालू भाई 8:30 बजे कुछ सुबह चालू है ये, तो एकदम आराम से भाई चालू एकदम आराम से मतलब क्वालीफाई कर सकते हैं अपन, ज़्यादा लोग रहेंगे नहीं इसके अंदर। आ जाओ उसके ऊपर और यहाँ पर टकरा गया, चलो को टकरा गया यहाँ पर, मुझे लगा अरे भाई चढ़ जाए यार, मैं टकराया लेकिन मेरा गेम बहुत ज़्यादा खराब हो गया इसके अंदर, मुझे लगा भाई टकराऊंगा तो गेम खराब हो जाएगा और बिना टकरा भाई मेरा गेम इतना खराब हो चुका है। एकदम आराम से जाओ एकदम आराम से जाओ और आगे मैंने डाइव इसलिए नहीं मारा क्योंकि भाई वहाँ पर कांटों से टकराने का खतरा था वहाँ पर। और यहाँ पर यार टकरा गया भाई, वैसे लड़ गया जाकर उससे मैं और ये देखो भाई चेक पॉइंट की बात लगी मेरी, मैं पिछले राउंड में बोल रहा था कि 3 लगातार जीत गया भाई हार गया इसके अंदर आगे भी, मेरे को लगा भाई 4 तो जीत जाऊंगा लगातार लेकिन भाई इसके अंदर हार जाऊंगा मैं, बहुत गंदा गंदा करा भाई। और यहाँ पर जो चेक पॉइंट नहीं गया भाई उसको और गुस्सा रहा मेरे को, ये चेक पॉइंट क्यों नहीं गिनता यार यहाँ पे, मतलब कभी कभार नहीं गिनता लेकिन बहुत खराब टाइम पर नहीं गिनता एकदम, जैसे कि ये टाइम पर नहीं गिना और यहाँ पर हार गया राउंड को मैं। और शुरू हो चुका है 5वां राउंड आई सी हाइट्स के अंदर, एकदम आराम से भाई इसको क्वालीफाई करना, अब 1 राउंड हार गया लेकिन भाई लगातार 5 राउंड नहीं हारना मुझे अभी, और अभी वैसे भी 4 ही राउंड बचे, 5 ही राउंड बचे वैसे भी, एकदम आराम से आ जाओ खुद किसको बारो भाई। इस बार 16 लोग बराबर आए भाई, देख के तो लग रहा है 16 लोग आए यहाँ पर और मैच तो भाई फटाक चालू हो गया था क्योंकि भाई सब प्लेयर जमा हो गए थे इसके अंदर, तो भाई यहाँ पर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। एकदम आराम से भाई बैटरूम ट्रिक मारो, मैं चुपचाप भागते हुए निकलूँगा यहाँ से, इन लोगों को जाने दो भाई, लोगों को जाने दो, बस यहाँ पर अगर क्वालीफाई कर देंगे भाई तो ये अपने को फायदा रहेगा, ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, तो एकदम आराम से भाई चलो यहाँ पर कितने 6 नंबर पर करेगा क्वालीफाई। और आ चुका पर अपना 6 राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो गया अभी अपना लॉस्ट टेम्पल के अंदर वापस से, इस बार भाई इस बार जीत करूँगा, इस बार पिछली बार गिर गया वो अलग बात है, इस बार जीत करूँगा, पिछली बार तो बहुत मतलब बड़े चालू हो गए थे स्टार्टिंग में, जहाँ पर स्टार्टिंग में जो गिरा भाई फिर खड़ी नहीं हो पा रहा जल्दी में, तो यहाँ पर भाई किनारे पर रहो चुपचाप और एकदम आराम से लो भाई निकल के आगे। और यहाँ पर भाई अरे लोग आगे निकलते निकलते रह गए हल्का सा, अब एकदम आ जाओ उसके ऊपर और यहाँ पर भाई एकदम आराम से जाएंगे जंप लगाकर, डाइव अगर मारा रहता ना भाई मैं सीधा कांटे में घुस गया रहता इसलिए मैं डाइव नहीं मारा वहाँ पर, डाइव एकदम सोच समझ के मारना रहता है इसके अंदर। और यहाँ पर निकलो कूद के आगे और यहाँ पर अभी 2 ही लोग आगे मेरे, 3 लोग तो एक गिर गया शायद, 2 लोग बचे बस मेरे आगे भी, तो एकदम आराम से भाई 3rd नंबर पे और यहाँ पर भाई 2nd नंबर पे कर जाऊंगा क्वालीफाई, मैं सोच रहा था 3rd पे करूंगा लेकिन यहाँ पर चलो भाई से कर गया 2nd नंबर पे क्वालीफाई। और अब यहाँ पर आ चुका आईसी हेड स्टार्ट हो गया 7वें राउंड के अंदर, देखते भाई क्या होगा इसके अंदर अभी, और अभी तक बस मैं 1 राउंड हारा यार, मतलब कितना 6 राउंड खेलकर 5 राउंड जीत गया बस 1 राउंड हारा अब तक का, और चल रहा भाई टूर चल रहा मेरा यार, मतलब फेज 1 तो चल जाता मेरा अच्छा, फेज 2 में आने के बाद सब मुसीबत चालू होती है भाई, अरे 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 बच गया चलो बच गया, एकदम आराम से भाई जंप मार के निकलना है इसके ऊपर। और यहाँ पर भाई एकदम आराम से भाई एकदम आराम से ट्रिप हो जानी चाहिए आली, आराम से यहाँ से निकल जाऊँगा, चलो अच्छी बात निकल गया यहाँ से मैं, अच्छा हुआ लोग नहीं थे सामने मेरे, नहीं तो भाई लोग जैसे गेम खराब होता लगूँ,
तो यहाँ पर भाई निकल गया अच्छे से और कर गया भाई राउंड के अंदर क्वालिफाई आराम से। तो गाइस यहाँ पर मैं अपना आठवें राउंड में एलिमिनेट हो गया था और यहाँ पर पहला फेज खत्म हो चुका है जिसके अंदर भाई मैं आठवें नंबर पे हूँ। दो ही राउंड हारा था बस इसके अंदर और आठवां राउंड में रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया ना क्योंकि भाई मैंने उसको पॉज कर रहा था रिकॉर्डिंग को, बाद में चालू करना भूल गया उसको वहाँ पर, जिससे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया आठवें राउंड का अपने। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, लेकिन वैसे भी भाई कर गया मैं सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई। आप देखते भाई सेकंड फेज में कोई मेरे साथ आगे भी और आ चुका भाई सेकंड फेज के पहले राउंड में आ चुका मेरे जानी दुश्मन आ गया भाई। ये मैप में इतना दुख मिलता ना भाई सही बता रहा हूँ मैं, मतलब यही देख के समझ गया भाई मैं सेकंड फेज में बाहर लाला। अब यहाँ पर मेरे पास ऐसा लग रहा पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी देखते भाई हो सकता हो जाओ क्वालिफाई। और यहाँ पर भाई हट जा हट जा, चलो भाई बच के निकल गया आगे और बहुत मुश्किल से इतना आगे आया हो भाई मैं। लावा बॉल पूरा मेरे को मारने के लिए फेंका था ऊपर, लेकिन फिर भी बच गया। चलो यहाँ पर आराम से निकलो आगे और यहाँ पर अरे अरे भाई अरे भाई 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 हल्का सा होता ना भाई, सीधा मैं लावे में गिरता सीधा नीचे और वहाँ पर चेक पॉइंट भी इतना बेकार है वहाँ पर, मतलब हार जाता फिर मैं सीधा। और यहाँ पर प्लीज़ भाई मत फेंको ना भाई, ये बनाना पीली मोड अलाउड कौन करता है यार, किसके दिमाग में आता है चलो रेस मैप में बनाना पीली मोड अलाउड करते भाई। ओ एक नंबर भाई एक नंबर एक नंबर और पहले राउंड के अंदर पहले नंबर पे क्वालिफाई कर जाऊंगा मैं। और रेस मैप के अंदर भाई जितना तुम लोग ज़्यादा ऊपर क्वालिफाई करेंगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, पहले नंबर पे कर सको क्वालिफाई कर सको तो उसके अंदर तो एकदम आराम से भाई मुझे 6 पॉइंट शायद मिलेंगे इसके अंदर अगर मैं कर गया तो। और यहाँ पर भाई चलो भाई कर गया पहले राउंड में क्वालिफाई एकदम आराम से और आ चुका पर भाई सुपर स्टार्ट यहाँ पर आ चुका है भाई। ये दोनों मैप बहुत खतरनाक मैप यार, ये दोनों मैप बहुत भयंकर मैप है यार, मतलब खेलने में बहुत मजा आएगा इसके अंदर अपने को। और पहले राउंड में तो भाई एकदम अच्छे से 6 पॉइंट निकाल लिया मैंने यहाँ पर, और अगर मैं ना कितने 30 पॉइंट अगर निकाल लूँ ना भाई तो एकदम आराम से थर्ड पेज में आऊँगा फिर मैं, जो कि थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर, मतलब कितने 8 में से अरे रे वाट लगे भाई वाट लगे खत्म भाई खत्म, मतलब मुझे 8 में से ना 5 राउंड पहले नंबर पे क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर मुझे 30 पॉइंट निकालने हैं तो। और अगर मैं 8 राउंड क्वालिफाई कर गया तो अच्छे पॉइंट के साथ तो एकदम आराम से फिर मैं थर्ड फेज में आऊँगा फिर यहाँ पर निकलो अच्छे से एकदम आराम से तैरते तैरते जाना भाई। यहाँ पर दो ही लोग आगे मेरे यहाँ पर, एक दिन अगर गिर गया तो भाई मजा आ जाएगा, वैसे मैं फालतू लोगों के लिए दुआ करता इतनी अच्छी वैसे अच्छी दुआ तो है नहीं फिर भी भाई मतलब। और ये गिर अरे भाई यार बच गया, मुझे लगा गिर गया यार मुझे सही में लगा देख के। और यहाँ पर क्या कर रहा भाई, इसकी वजह से मेरा गेम खराब होता है यार, मैं बच गया लेकिन वहाँ पर। और एकदम आराम चलो भाई यहाँ पर कर गया भाई सेकंड फेज में तो सेकंड नंबर पे क्वालिफाई कर गया मैं और आ चुका यहाँ पर लावा रश आ गया है। तो भाई इसका पहला राउंड एकदम आराम से मैं कर गया था क्वालिफाई क्योंकि भाई कुछ हुआ नहीं था उसके अंदर मेरे साथ, मतलब बीच में कुछ हुआ था आगे पीछे हुआ था बीच में थोड़ा मैं लेकिन चल गया था वो। और यहाँ पर भाई इस बार कुछ होना नहीं चाहिए तो भाई वहाँ से मैं जाऊँगा नहीं कोने से, बहुत ही बेकार एरिया भाई वाला आज उसके ऊपर डायरेक्टली। और यहाँ पर भाई पड़ा लोग वहाँ पर अच्छा बीच से निकल मैं और 4 लोग निकल गए आगे भाई, 4 लोग यहाँ पर नहीं निकले 3 लोग आगे मेरे और ये बनाना का निकल जाएगा आगे यार, ये बनाना का क्या कर रहा भाई यहाँ पर हटो साइड में पहले। और ये रे भाई हट यार हट एक नंबर चलो एक नंबर यहाँ पर अभी भी कर सकता हूँ मैं क्वालिफाई अगर खेला अच्छे से तो। ये लोग अगर गिरते रहे ना अगर भाई गिर जाना चाहिए ये लोग गिरना चाहिए भाई आगे वाले गिर जाओ यार, 2 राउंड अच्छे से क्वालिफाई करके भाई तीसरे से मेरे को भागना नहीं। यहाँ पर एक नंबर एक और गिर गया यहाँ पर एकदम आराम से भाई यहाँ पर कूद गया चल गया भाई, मुझे लगा पहले मैं कूदा नहीं वहाँ पर जबकि मैं टाइम पर कूदा था थोड़ा लेट कूदा लेकिन वहाँ पर मैं अरे चढ़ा भाई खड़े हो यार इतना भाई इतना भयंकर मैच चालू यहाँ पर हारने वाला था भाई मैं स्टार्टिंग में। और यहाँ पर चलो भाई करके यहाँ पर 4 नंबर पे क्वालिफाई करके इसके अंदर और अब यहाँ पर आ चुका है अपना सुपर स्टार्ट चालू हो चुका है 4 राउंड के अंदर और अभी तक भाई मैं 3 राउंड को खेला हूँ 3 के दिन क्वालिफाई करो तब अच्छे से। और मेरे ना कितने मेरे 15 हाँ मेरे 15 पॉइंट है 3 राउंड खेलने के बाद भाई एकदम आराम से मुझे ना भाई अभी 5 राउंड में और 15 पॉइंट निकालने एकदम आराम से 3 में तो अपने टारगेट का आधा निकाल लिया मैंने, मेरे को 30 पॉइंट निकालने यार कैसे भी करके क्योंकि 30 निकालूंगा तो ही क्वालिफाई कर पाऊंगा अगले राउंड के लिए। और यहाँ पर आ जाओ उसके ऊपर अरे भाई यार चढ़ाई नहीं यार उसके ऊपर हट यार, यहाँ पर आने के बाद देखना एक बार ऐसा होना जरूरी रहता है। और ये लोग पता नहीं क्या करें यार कि पानी को छुएगा तो ही एलिमिनेट होएगा, पहले अच्छा था यार कि फटाक से यहाँ पर गिरते एलिमिनेट दिखाता था अपने को, मतलब गिरते अपने को रिस्पॉन करता था वहाँ पर, अब पानी में छूने तक भाई यहाँ पर रिस्पॉन होता नहीं और भाई बच के यहाँ पर वैसे भी बच के क्या फायदा यार हार जाऊंगा इसके अंदर मैं। यहाँ पर देखो भाई खड़े लोग आगे पहुँच गए 4 लोग आगे देख रहे मेरे को भागते हुए मत दिखाई दे रहे मेरे को यहाँ से और हो गया यार हट। और आ चुका पर लावर स्टार्ट हो गया 5 राउंड के अंदर, 1 राउंड हारे तो चलेगा यार 1 राउंड हारे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 4 मैच खेलकर मेरे 15 पॉइंट से और यहाँ पर ये राउंड भाई ये राउंड क्वालिफाई करना पड़ेगा मेरे को भी वो भी अच्छे मतलब सेकंड पोजीशन पर आके ताकि मेरे यहाँ पर अच्छे पॉइंट रहे ऊपर। अभी 15 इसमें अगर सेकंड पर आ गए तो भाई 20 हो जाएंगे मेरे, जो पहले पाने पे 6 मिल रहे सेकंड पाने पे 5 मिल रहे यहाँ पर निकलो आगे और तीसरे चौथे पे आ रहे तो 4 पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर तो अच्छी बात हो एकदम आराम से चलो भाई आगे। और यहाँ पर डाइव मार के निकलो आगे यहाँ पर अरे 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 पड़ गया यार हट यार मैं अरे देखो यार मेरे को चेक पॉइंट लेना चाहिए यहाँ पर आगे वाला चेक पॉइंट ले रहा था अच्छा रहता यार, मैं क्या किनारे पर आके गिरा यार मैं यहाँ पर है ना ये कांटे वाले खंभे से बचने का सोच कर डाइव मार लिया पहले वो देखा नहीं वो लावा बॉल सामने से आ रहा यहीं पर उड़ी मार के अरे यार यहाँ से गिर गया वापस से भाई अगली बार से यहाँ पर मैं चेक ये गिर गया भाई क्या लूँगा चेक पॉइंट यहाँ पर और 4 लोग घुस रहे कि नहीं आ रहे हैं कितना टाइम लग रहे लोग क्वालिफाई यार एक जन गया अभी। और यहाँ पर भाई वाट तो लग गई अपनी खेल के मतलब है भी नहीं यहाँ पर तो एकदम आराम से इसके ऊपर पड़ जाएगा ये वापस यहाँ पर मैं गिर के यहाँ पर क्वालिफाई चलो हार भी आ रहा हूँ। और अभी यहाँ पर भाई वाट लग चुकी है मेरी इतना अच्छा भाई मैंने स्टार्टिंग के 3 राउंड के अंदर 15 पॉइंट निकाले मैंने इतना अच्छा अब आखिरी के 3 में से 3 में और 15 निकालने पड़ेंगे भाई मेरे को 30 निकालूंगा तो ही भाई कर पाऊंगा क्वालिफाई नहीं तो भाई उससे कम वाले तो हो नहीं पाएंगे 27-28 रहेगा तो भी कर जाऊंगा नहीं तो भाई मतलब समझो मैं बाहर हो गया यार ऐसे समझ लो कि मैं बाहर हो चुका हूँ इसके अंदर। और यहाँ पर भाई फिर ट्राई मारना लो ये ट्रिक को मैं यहाँ पर एकदम आराम से
आगे मैं इलेक्ट्रिक मारेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि भाई मारना पड़ेगा इलेक्ट्रिक, नहीं तो भाई नहीं हो पाएगा फिर अपना। और यहाँ पर एक गिर गया भाई, गिर गया गिर गया गिर गया। और वैसा गिरते ना भाई इतना बुरा दुख होता ना जब वैसे गिरते अपन तो, मतलब ऐसा ना मतलब क्या बोलो, बहुत गुस्सा आता है वैसे करने के बाद, मतलब फिर आपको समझ में आ जाता भाई अब आपको क्वालिफाई कर सकते नहीं यहाँ पर, खत्म भाई। वो ऐसे करने के बाद सीधा गेम ही खत्म रहता, क्योंकि एक तो हम लोग इतना आगे आगे गिरे, ऊपर से भाई चेक पॉइंट भी नहीं रहता अपना बीच में, क्योंकि हम लोग मतलब ट्रिक मारने के बीच में चक्कर चेक पॉइंट छोड़ देते अपना। और यहाँ पर चलो भाई पहले नंबर पे कर गया क्वालिफाई के अंदर, और शुरू हो चुका है अपना सात राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो गया भाई। और पिछले राउंड में मतलब पहले नंबर पे क्वालिफाई करा था ना, अगर आखिरी के दो में भी पहले नंबर पे क्वालिफाई करता हूँ तो भाई मेरे 33 पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पर, 33 पॉइंट्स। तो एकदम आराम से भाई फिर मैं थर्ड पे जाऊँगा यार पक्का फिर। और यहाँ पर भाई चलो बच गया, बच गया, आ जाओ इसके ऊपर एक नंबर। अरे खड़े हो मेरे भाई, निकल आगे। और अबे खड़े हो यार, ये क्या कर रहा भाई, कर कर क्या रही है, एकदम आराम से था फिर नहीं खड़ा हुआ यार, ये क्या है भाई, क्या है यार ये, इतना अच्छा भाई मैं इतना अच्छा सोच के खेलता भाई थर्ड पे जाऊंगा, देखो वापस नहीं हो रहा। ये चार बार लगातार हो गया यार, चार बार मैंने टाइम मारा, चारों बार लगातार ये खड़े नहीं हुआ, ये क्या बात है यार ये। अब देखो अब क्या फटाक, देखो फटाक से खड़ा हो रहा है अभी, यहाँ पे देखना अच्छे से खड़ा हो जाएगा अभी, और वहीं पर नाटक करने का जाएगा इसको चारों बार लगातार, क्या नाटक होते भाई गेम के अंदर यार। देखो अब सही, अब कितना कितना टाइम पर खड़ा हो रहा है अभी, कुछ ज़्यादा नखरी भी नहीं कर रहा अभी, स्टार्ट में करने का तो इसको सारे नाटक यहाँ पर, इतना अच्छा दो लोग कर गए भाई, हार गया ये राउंड, हार गया अपन यार, क्या यार अब आखिरी राउंड में क्वालीफाई करके क्या ही कर लूँगा, एकदम पूरा मेरा टूर खराब हो गया ना। वो पहुँच गया बर्फ वाला, देखो चौथे नंबर पर आ रहा था यार। और शुरू हो चुका है यहाँ पर अपना आखिरी राउंड आ चुका है यहाँ पर भाई। इसके अंदर मेरे को ना या तो पहले नंबर पर या तो दूसरे नंबर पर क्वालीफाई करना पड़ेगा इसके अंदर मुझे, मेरा ना अभी 21 पॉइंट है यहाँ पर, अगर पहले पे करा तो भाई मेरे 26 हो जाए मतलब 27 हो जाएंगे, और सेकंड पे करा तो मेरे 26 होंगे यहाँ पर, और 26 में तो मुझे नहीं लगता भाई मैं कर पाऊंगा क्वालीफाई थर्ड पेज के लिए यहाँ पर भाई, वहाँ हालत खराब हो चुकी मेरी अभी, ये देखो खराब होगा भाई, ये भी खराब हो गया यहाँ पर, इतना अच्छा सोच कर टाइप मारा यार वो भी नहीं कर पाया, ये करना पड़ेगा। चलो हो गया, चलो इस बार हो गया। और यहाँ पर गिरा एक प्लेयर भाई, एक प्लेयर अरे भाई भाई गिरमत गिरमत गिरमत, और एक और गिरा, एक और गिरा, चलो यहाँ पर एक और गिर गया, दो लोग आगे बस मेरे, और बस भाई कोई एक और दिन हट जाओ भाई, पीछे हट जाओ कोई एक और दिन, अरे एक नंबर भाई, एक नंबर, एक नंबर आगे इसके आगे मैं, उसके आगे आगे वो फालतू स्टंट मारने का उस तरफ, और मैं निकल गया उसके आगे। और यहाँ पर भाई सेकंड नंबर पर क्वालीफाई करता हूँ तो भाई थोड़ा मतलब फिर मतलब चांस तो है नहीं जरा भी, फिर भी भाई देखते हो पाता हूँ कि नहीं क्वालीफाई थर्ड पेज के लिए। और अगर चलो यहाँ पर चलो भाई करके फटाक से यहाँ पर रुकना पड़ेगा, रैंकिंग खत्म होने के लिए यहाँ पर अभी मतलब सेकंड फेज खत्म होने रुकना पड़ेगा मुझे। तो आज यहाँ पर अभी सेकंड फेज खत्म हो चुका और यहाँ पर मैं कर चुका थर्ड फेज के लिए क्वालीफाई। देखो यहाँ पर मेरे 26 पॉइंट यहाँ पर, और मेरी रैंकिंग देखो कितने नंबर पर यार, मैं भूल गया यार, मैं भी देखा था यहाँ पर, देखो भाई 29वें नंबर पर रखा था भाई मेरे को उसने, अगर मेरे 25 होते देखो 25 पॉइंट वाला एक ही प्लेयर यहाँ पर क्वालीफाई करा बस, अगर भाई मेरे 25 पॉइंट होते मैं बाहर होता सीधा यहाँ से, लेकिन यहाँ पर भाई मेरे 26 पॉइंट इसलिए मैं कर गया क्वालीफाई थर्ड फेज के लिए। आप देखते भाई थर्ड फेज में अपने साथ, और शुरू हो चुका यहाँ पर थर्ड फेज का पहला आ चुका है लावा रश, और यहाँ पर भाई 1v1 चालू है इसके अंदर। और प्लीज़ भाई कुछ लाइक वैक मत होना इसके अंदर यार, ये ना स्टार्टिंग में मेरा गेम भागना चालू कर देता है यहाँ पर। तो यहाँ पर निकलो आगे, और यहाँ पर जंप लगा लो इसके ऊपर, और भाई चढ़ गया इसके ऊपर मैं, और यहाँ पर भाई यहाँ पर जीत सकता हूँ भाई, इसके आगे निकल गया मैं, इसके आगे रहना एंड तक, इसके आगे रहना है मेरे को। और यहाँ पर चलो डाइव मार गया जाओ इसके ऊपर, और यहाँ पर अब एक कूद यार मेरे भाई, जंप लगा यार वहाँ पर आगे, जंप मार रहा, जंप ही नहीं कर रहा उसने, वहाँ पर फिसल के नीचे गिर गया वहाँ पर, इतना अच्छा भाई कूदा था मैं यार वहाँ पर, ये पता नहीं क्या होता यार कभी कभी इसके अंदर, वहाँ किनारे में पहुँच के कूदा भाई गिर गया सीधे नीचे, अब यहाँ पे भी गिर गया, क्या फ़ायदा खेल के अभी, हट यार पूरा गेम खराब होगा भाई मेरा, इतना अच्छा खेल रहा था भाई, ये किनारे पे पहुँच के क्या फिसलने हो गया इसको, मैं इतना अच्छा कूदा किनारे पे पहुँच के कूद के निकल जाऊँ और फटाक से आगे, ये हिला ही नहीं जाएगा, जगह से ही नहीं लाया यहाँ पर यार, थर्ड फेज में आके हार रहा हूँ मैं यार। तो गाइस मेरा टूर यहाँ पर खत्म हो चुका, और यहाँ पर भाई मैं आज भी वापस से थर्ड फेज में जाकर हार गया, मुझे यहाँ पर 144 जेम्स मिल गए, लेकिन भाई मैं थर्ड फेज में भाई पहुँच के क्या गंदा हार रहा हूँ आजकल, पहले तो भाई पहुँच नहीं पाता था एक दिन, लेकिन अभी ना मतलब हर टूर में नहीं, मतलब एक दो टूर छोड़ के मैं पहुँच रहा हूँ थर्ड फेज के अंदर। और यहाँ पर भाई उसमें उसके आगे ना मैं पहले दूसरे राउंड पे दूसरे का भाई मैं पहले राउंड मारता था उसके यहाँ पर जैसे आ जा रहा मैं, तो यहाँ पर भाई मेरा टूर खत्म हो चुका अभी। तो आज जैसे इतने अगर आपको अच्छा वीडियो चला तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम आपको मेरी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।